नमस्कार दोस्तों, आज हम विवेक खंडे गोमती नगर में स्थित बाटी चोखा रेस्टोरेंट चलेंगे। और अगर आप लखनऊ में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार की मशहूर बाटी चोखा डिश का असली आनंद लेना चाहते हैं तो ये रेस्टोरेंट इसके लिए बहुत ही उत्तम जगह है। खास बात यह है कि यहाँ बनने वाली सभी डिशेस को बहुत ही पारंपरिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। गेहूं का आटा बनाने के लिए पहले गेहूं को धोया जाता है, सुखाया जाता है तथा फिर उसको पत्थर की चक्की पर पीसा जाता है। चने का सत्तू भी यहाँ पर बनाया जाता है, कहीं बाहर से खरीदा नहीं जाता है। इस रेस्टोरेंट की साज सज्जा एकदम ग्रामीण परिवेश में की गई है और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में एक कुआं भी बना हुआ है और यहाँ पे खूब सारी चारपाइयाँ भी है जिसमें आप खाने का आनंद उठा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में जब आप बाटी चोखा प्लेट का ऑर्डर करेंगे तो बाटी चोखा प्लेट में आपको भुने टमाटर की चटनी तथा अरहर की दाल और चावल भी दिया जाएगा। अरहर की दाल को बनाने के लिए उसको मिट्टी की हांडी पर धीमी आंच में पकाया जाता है तो उसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग होता है और बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में आपको देशी घी भी दिया जाता है, तो देशी घी आप बाटी पर डाल के खाइए और दाल में भी डालिए और उसका बड़ा सोंधा सोंधा स्वाद आता है और जो कि बहुत अच्छा लगता है। और बाटी चोखा खाने के लिए लखनऊ में मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर सर्विस भी है। आज हम लोग बाटी चोखा रेस्टोरेंट में आए हैं, टेस्ट ऑफ बनारस गोमती नगर में है और यहाँ पर हम लोग बाटी चोखा खाने वाले हैं। बाटी बनाई जा रही है कंडे की आग में। टेबल नहीं खाली? अभी बाटी चोखा रेस्टोरेंट में कोई टेबल नहीं खाली है तो हम लोगों को वेट करना है। नहीं, मैं पहले वीडियो में तो आपको ले लूं। कॉल साहब हमारे कश्मीर से हैं और आज मैं इनको लाया हूँ यहाँ पर। कॉल साहब यहाँ के इंटीरियर की फोटो ले रहे हैं और शायद मेरे ख्याल से ये इनके लिए इस तरह के रेस्टोरेंट में आने का पहला एक्सपीरियंस है। आपसे बातें तो काफ़ी दिनों से हो रही थी लेकिन ये हम लोगों की पहली मुलाकात है और मुझे लगता है 2 साल हो गए हम लोगों को बात करते हुए। आज हम लोग मिल पाए। ये बाटी चोखा का मेन्यू है, इसका प्रेजेंटेशन का भी स्टाइल काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे आइटम्स हैं मेन्यू में और आप मेन हाईलाइट बाटी चोखा की है। काफ़ी ट्रेडिशनल गांव के आर्किटेक्चर को यूज़ किया गया रेस्टोरेंट में, बैम्बू स्ट्रक्चर काफ़ी है। इस रेस्टोरेंट में खाना भी बड़े अलग अंदाज में सर्व होता है। लकड़ी की प्लेट्स हैं, उसके ऊपर पत्तों की प्लेट रखी जाती है और पानी भी कुल्हड़ में दिया जाता है।
हमारा मट्ठा आ गया है, कुल्हड़ में मट्ठा सर्व कर रहे हैं। मट्ठा मट्ठा बटर मिल्क, बटर मिल्क, बटर मिल्क। कैसा लगा कॉल साहब? बढ़िया। बाटी चोखा की थाली आ गई है, ये बाटी है और ये चोखा। दाल भैया अभी ले आए, ठंडी हो जाएगी। और ये सर्व हो रहा है खाना। खाने का बेस्ट तरीका ये है, इसको आप तोड़ दीजिए बीच से और घी डालिए इसमें। देखिए घी, हाँ ये देसी घी, देसी घी रखा है, इसको डालिए ऊपर से, डालिए और एक एक चम्मच दोनों में डालिए। इसका फिर सोना सोना स्वाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा खाने में।